राजधानी के स्काउट गाइड कार्यालय में एनएसएस की ओर से राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा सचिव वैभव गालरिया समेत एनएसएस से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने समारोह के दौरान 2 महाविद्यालयों, 6 कार्यक्रम अधिकारियों, 11 स्वयंसेवकों, आरडी परेड के 10 स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया। इस दौरान मंत्री भाटी ने राजकीय कॉलेज जयपुर के बधिर स्टूडेंट्स के लिए एनएसएस की अलग यूनिट शुरू करने की घोषणा भी की है। साथ ही भाटी ने एनएसएस कार्यकर्ताओं को वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने, रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने एनएसएस कार्यकर्ताओं की सामाजिक कार्यों में सक्रियता पर भी तारीफ की। भाटी ने जयपुर के सरकारी कॉलेज के जल्द उद्घाटन की बात कहते हुए कहा कि इसके लिए 125 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। साथ ही उद्घाटन के लिए सीएम गहलोत से समय मांगा गया है। प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया, इसमें राज्य भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको और जिन बच्चों ने 26 जनवरी को जो दिल्ली में परेड हुई उसमें भाग लिया, उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। और एनएसएस का जो मूल एजेंडा है, नॉट मी बट यू, मतलब मैं मेरे लिए नहीं करूँगा, मैं दूसरों के लिए करूँगा। आज से 50 साल पहले एनएसएस की स्थापना हुई और एनएसएस के जो विद्यार्थी है, एनएसएस का जो हमारा कैडर है, ये बहुत ही अनुशासित तरीके से समाज में, हमारे क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों को करते हैं। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्य सरकार द्वारा जो संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और जो संस्था को पुरस्कार मिला है, उसके लिए मैं, मेरी टीम, दोनों कार्यक्रम अधिकारियों और सभी स्वयं सेविकाओं का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लगभग सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया, चाहे वह कच्ची बस्ती हो, रैलियों में भाग लिया, कच्ची बस्ती में जाकर, गोद लिए हुए गाँव में जाकर एड्स जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, रक्तदान, मतदान इत्यादि के प्रति जागरूकता, इन सभी कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा काम किया। हमारी 2 स्वयं सेविकाओं को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दिल्ली में पुरस्कृत